कुछ मनुष्य दुनिया में जन्म लेते हैं और कुछ जन्म लेकर मर जाते हैं। भगवान जी में मगन हुए कुछ मनुष्य उसमें ही समाये रहते हैं। कुछ मनुष्यों को धरती एवं गगन कोई सुख का स्थान नहीं मिलता, क्योंकि वह कर्महीन बदकिस्मत मनुष्य प्रभु के नाम का चिंतन नहीं करते। पूर्ण गुरु से मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। यह संसार विष जैसा महाभयानक सागर है। गुरु के शब्द द्वारा परमात्मा जी जीव को भव सागर से पार कर देता है। रहाउ जिन्हें प्रभु अपने साथ मिला लेता है, उनको मृत्यु भी कुचल नहीं सकती। प्यारे गुरुमुख कमल की भांति निर्मल रहते हैं, जो जल के भीतर एवं ऊपर निर्लिप्त विचरते हैं। बताओ हम किसे बुरा अथवा भला कहें, जबकि प्रभु सबके भीतर नजर आता है। मैं गुरु के माध्यम से सत्य को जानता, अकथनीय प्रभु को बयान करता और गुरु के उपदेश को सोचता समझता हूँ। मैं गुरु की संगति में मिलकर प्रभु के पार की खोज करता हूँ। हरि रस का हृदय में निवास ही शास्त्रों वेदों एवं स्मृतियों के अधिकतर भेदों का ज्ञान एवं 68 तीर्थों का स्नान है। गुरुमुख बड़े पवित्र हैं, क्योंकि उन्हें विकारों की कोई मैल नहीं लगती। हे नानक, शुरू से ही जिनके भाग्य अच्छे लिखे हुए हों, प्रभु का नाम उनके हृदय में ही बसता है। आशा महला पहला, निव निव पाई लगौ गुर अपुणे, आत्म राम निहारिया करत विचार हृदय, हर रव्या हृदय देख विचारिया, बोलह राम करे निस्तारा, गुर प्रसाद रतन हर लाभे मीटे, अज्ञान होए उजियारा। रहाउ रब नी रब्बे बंधन नहीं, तू टह बिच हौ में भरम न जाए, सतगुर मिले ता हौ में टूटे, ताको लेखे पाए, हर हर नाम भक्त प्रिय प्रीतम, सुख सागर उर धारे, भगत बच्छल जग जीवन दाता, मत गुरमत हर निस्तारे, मन सिउ सूझ मरे प्रभ पाए, मन सा मन है समाए, नानक कृपा करे जग जीवन सहज भाई लिव लाए। मैं झुक झुक कर अपने गुरु के चरणों पर नतमस्तक होता हूँ। जिनकी दया से मैंने सर्वव्यापक राम जी को देख लिया है, हरि के गुणों का विचार करके मैं उसे ही याद कर रहा हूँ और अपने हृदय में हरि के दर्शन करके इसके गुणों का विचार कर रहा हूँ। राम राम बोलो, क्योंकि राम का नाम भव सागर से मुक्त करवा देता है। गुरु की कृपा से प्रभु रूपी रतन मिलता है, जिससे अज्ञान मिट जाता है और प्रभु ज्योति का उजाला हो जाता है। रहाउ केवल जीवा से उच्चारण करने से बंधन नहीं टूटते और भीतर से अहंकार एवं दुविधा दूर नहीं होते। जब मनुष्य का मिलन सतगुरु से होता है, तो उसकी दुविधा दूर हो जाती है। केवल तभी उसका मनुष्य जन्म सफल होता है। जो व्यक्ति सुखों के सागर प्रियतम परमात्मा जी को अपने हृदय में बसाता है, उसका हरि हरि नाम जपता है और उसकी भक्ति करता रहता है, जो अपनी मति गुरमत अनुसार रखता है, ऐसे भक्त जन को परमेश्वर भव सागर से पार कर देता है। क्योंकि वह जग का जीवन भक्त वत्सल एवं सबका दाता है। जो जीव अपने मन से जूझता हुआ विकारों की ओर से मर जाता है, वह प्रभु को प्राप्त कर लेता है। उसकी अभिलाषा मन में ही मिट जाती है।
हे नानक, यदि जग जीवन प्रभु कृपा धारण करे तो जीव की सहज ही उसमें वृत्ति लगी रहती है। आशा महला पहला, किस कौ कह सुनावह, किस कौ किस समझावह, समझ रहे किससे पढ़ावह, पढ़ गुण बुझे सतगुर शब्द संतोख रहे। ऐसा गुरमत रमत शरीरा, हर भज मेरे मन गहर गंभीरा। रहाऊ अनंत तरंग भगत हर रंगा, अन दिन सूचे हर गुण संगा। मिथ्या जन्म साकत संसारा, राम भक्त जन रहे निरारा। सूची काया हर गुण गाया, आत्म चिन रहे लिव लाया। आद अपार अपरंपार हीरा, लाल रता मेरा मन धीरा। कथनी कह कह से मुए, सो प्रभ दूर नाही प्रभ तू है। सब जग देख्या माया छाया, नानक गुरमत नाम ध्याया। किसे कुछ कहें, किसे कुछ सुनाएं, और किसे कुछ समझाएं, ताकि वह समझदार हो जाए। किसे कुछ पढ़ाएं, ताकि वह पढ़कर प्रभु के गुणों को समझ जाए, और सच्चे गुरु के शब्द द्वारा संतोष में बसा रहे। हे मेरे मन, सतगुरु के उपदेश से ऐसे हरि का भजन कर, जो समस्त शरीरों में समाया हुआ और बहुत ही गहरा एवं गंभीर है। रहाऊ जिनके मन में प्रभु भक्ति की अनंत लहरें उठती रहती हैं और हरि के प्रेम में मगन रहते हैं, जिसे प्रभु की प्रशंसा की संगति प्राप्त है, वह दिन रात ही पवित्र है। इस संसार में शाक्त मनुष्य का जन्म निरर्थक है। राम की भक्ति करने वाला मनुष्य मोह माया से निर्लिप्त रहता है। वही शरीर शुद्ध है जो हरि के गुण गाता रहता है। अपने चित्त में ईश्वर को स्मरण करके यह शरीर उसकी प्रीति में लीन रहता है। प्रभु आदि अनंत अपरंपार एवं हीरा है। उस प्रियतम प्रभु से मेरा मन अनुरक्त एवं संतुष्ट हुआ है। जो केवल मौखिक बातें ही कहते हैं, वह वास्तव में मृत है। वह प्रभु दूर नहीं, हे प्रभु तुम निकट ही हो। मैंने समूचा जगत देखा है, यह माया तो प्रभु की छाया है। हे नानक गुरु के उपदेश से मैंने प्रभु नाम का ध्यान किया है। आशा महला पहला तितका, कोई भीखक भीख्या खाए, कोई राजा रहा समाए। किस ही मान किसे अपमान, दह उसारे धरे ध्यान। तुझते बड़ा नाही कोए, किस बेखाली चंगा होए। मैता नाम तेरा आधार, तू दाता करण हार करतार। रहाऊ बाट न पावो बीगा जाऊ, दरगह बैसण नाही थाऊ। मन का अंधुला माया का बंध, खिन खराब होवे नित कंध। खान जीवन की बहुती आस, लेखे तेरे सांस गिरास। अहिनिस अंधुले दीपक दे, बहु जल डूबत चिंत करई। कह सुन है जो मानह नाऊ, हौ बलिहारे ताके जाऊं। नानक एक कहे अरदास, ज्यू पिंड सब तेरे पास। जातू देह जपी तेरा नाऊ, दरगह वैसन होवे थाऊ। जातुद भावे ता दुर्मत जाई, ज्ञान रतन मन बसे आई। नदर करे ता सतगुरु मिले, प्रणवत नानक भव जल तरे। कोई भिखारी है जो भिक्षा लेकर खाता है, और कोई राजा है जो राज के सुखों में लीन रहता है। किसी मनुष्य को मान मिलता है और किसी को अपमान। प्रभु ही दुनिया का नाश करता है, रचना करता है और सबको अपने ध्यान में रखता है। हे प्रभु तुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं किसे तेरे समक्ष उपस्थित करूं। जो तुझसे अच्छा है।